नमस्कार मित्रों, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। छोटे वीडियो में बहुत बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात समझाने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर देखना। बात दरअसल ये है कि इंडियन मशीन और इटालियन मशीन सेम तरह की चेन बनाती हैं, लेकिन दोनों की इफिशियंसी में क्या फर्क होता है, दोनों की क्वालिटी में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं, मैं बता के नहीं समझाऊंगा, मैं आपको दिखा के समझाऊंगा। एक हमारे पास है इधर इंडियन मशीन, इधर दिखाओ, और दूसरी हमारे पास इटालियन मशीन, उधर दिखा के आओ इटालियन। तो ये है हमारे पास इटालियन, दो मशीनें हैं। अब दोनों को मैं बताऊंगा समझाऊंगा इन दोनों में क्या फर्क है। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे अपन इंडियन मशीन से। तो भाई मैं इंडियन मशीन दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये मशीन दिखाऊं, उससे पहले भाई रिक्वेस्ट है चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा दो जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, और आप प्रॉपर वीडियो देख पाओ जिससे आपको ज्ञान मिले। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन मशीन की तरफ। तो भाई लोगों, ये हमारी देसी मशीन है, इंडियन मशीन बोलते हैं इसको। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा नाम, लोगो, ये लोगो पड़ा हुआ है, ये नाम पड़ा हुआ है, और ये फुली ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। और अगर इटाली वाली मशीन की बात करूँ मैं, ये इटालियन है, तो इस इधर भी इस पर भी सब वही फंक्शन है, नाम है, लोगो है, सब कुछ है, ठीक है, ये भी एकदम एकदम करेक्ट है। बट फर्क क्या है वो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा फर्क तो है बनावट का और लोहे का। इसका जो लोहा देख रहे हैं ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है, आप देख पा रहे हैं, और इसका जो लोहा है ये अच्छी क्वालिटी का है। इस लोहे में और उस लोहे में बहुत फर्क है, ठीक है। दूसरा जो फर्क है, यहाँ पर जो मदरबोर्ड लगाते हैं, सेंसर, ये सब सिस्टम अलग है, और उसमें जो हम सेंसर्स का यूज करते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड कंट्रोल पैनल जो इसके अंदर लगा हुआ है वो अलग होता है। तीसरा जो फर्क है वो चला के दिखाओ। तो भाई साहब यहाँ आपने कर लिया, हमने अरेंजमेंट तार लगा लिए और मशीन में भी करंट आ गया। अब ये जो हमारी मशीन है इसके तार की मोटाई बता देता हूँ, ये 60 डिवीजन का तार है, ठीक है, आधे एमएम से थोड़ा सा ज्यादा, और जो कर्व का डिजाइन है वो भी दिखा देता हूँ, कर्व चेन है, ठीक है। तो अलग अलग इस पर भी एंकर भी बनती है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ मशीन दिखाते हैं। तो सबसे पहले लैंप देखिए, लैंप चलिए बहुत अच्छा, लैंप भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं मशीन को, और ये देखिए मशीन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी आवाज़ सुनिए, इसका साउंड सुनिए, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और करता हूँ। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये, सेंसर है और ये चेन इससे टकराई, इसने इसको नीचे दबा दिया तो मशीन बंद हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा दोबारा से करते हैं शुरू। ये ऑटो कट सेंसर है, अपने आप मशीन बंद हो जाती है। एक बार पुनः आपको दिखाता हूं यहां से स्टार्ट की। तो भाई साहब सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इसकी आवाज आपने सुनी, कितनी आवाज कर रही है, कैसे क्या कर रही है ये। अब दिखाते हैं टॉप कट चला के। तो भाई ये यहां पे कर लिया हमने टॉप कट के लिए, तार वार लगा दिए। अब यहां से इसको करते हैं चालू, जैसे इसको दबाया यहाँ पे आ गई लाइट, ठीक है। अब पहले करते हैं लैंप, ये इसकी लैंप है, ये देखिए कितनी बड़ी है, ये देखिए इसकी रोशनी उसकी रोशनी दोनों अलग है। अब ये जो है ये इसकी ऑयल पंप की है, यहाँ ऑयल डलता है, ऑयल का टैंक है, ये ऑयल पंप की है। ये जो आवाज है ये ऑयल की आवाज है, ये जो आप देख रहे हैं नली, इनमें ऑयल चलेगा, लेकिन अभी ऑयल नहीं है, बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये बटन है स्टार्ट करने के लिए, ये मशीन हो गई है स्टार्ट। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अभी चेन मैंने टांगी नहीं है, बंद कर देता हूँ, चेन टांग देता हूँ पहले, फिर आपको चला के दिखाऊंगा। तार जो है वो 0.30 mm का है, 0. यानी वो जो है उससे आधा है। अब इसको चला के दिखाते हैं।
भाई साहब मैंने लगा दिया यहाँ पे, चैन को टांग दिया, अब इसको चालू करके दिखाते हैं। ये दबाया बटन, और मशीन हो गई रेडी। ये देखिए भाई साहब, इसकी तो आवाज देखिए, आवाज भी नहीं हो रही है। और दूसरी चीज, कितनी स्पीड है, आवाज हो नहीं रही, और आपको और भी स्पीड में चलेगी। अभी 200 है, ये देखिए 250 हो गई। ये देखिए तार भी थोड़ा सा ही है। ये देखिए, ये है भाई इटली वाली मशीन का मजा, ये है मजा। ये देखिए, ये देखिए, चलिए बंद कर देता हूं। तो ये मजा है भाई इटली वाली का, ठीक है। इस वजह से अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको ये मशीन अच्छी लगी इटली वाली, या आपको हमारी देसी मशीन अच्छी लगी ये। अब दोनों की रेट की बात करूं तो इसकी और इसकी दोनों की जो रेट है ना, 4 गुने का फर्क है। क्या मायला, इसकी और इसकी रेट में 4 गुने का फर्क है भाई। तो मशीन तो होगी मस्त। अगर दोनों आपको इन दोनों में से ये या ये कोई सी भी मशीन खरीदनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए, हम सदा आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू मशीन खरीदने के लिए, इसके पार्ट्स के लिए जरूर कॉल करें। धन्यवाद।